मूल सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु देव राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। राग पीलो भजन बारह। जन पखी बने परदेस छड़े ही देश। प्राण आधारो तने पिंजरो थे बेकारो। तने पिंजरो थे बेकारो। जन पिंजरे माथो पखी बने। जन पिंजरे माथो पखी बने। तन पिंजरे खे कोई न मने। पिंजरे खे कोई न मने। जने पंछी न पिंजरे खा करे किनारो। जने पंछी न पिंजरे खा करे किनारो। तन पिंजरो थे बेकारो। तन पिंजरो थे बेकारो। पिंजरो पखिया जो मंदर आ। पिंजरो पखिया जो मंदर आ। ही सदा उनिया सा सुंदर आ। ही सदा उनिया सा सुंदर आ। जरे पंछी खाली करे वने तो सारो। जरे पंछी खाली करे वने तो सारो। तने पिंजरो थे बेकारो। तने पिंजरो थे बेकारो। तू जान पक्षी पर देहिया। तू जान पक्षी पर देहिया। थियो कहंजो की न सनेहिया। थियो कहंजो की न सनेहिया। जने पक्षी बने हिन पिंजरे खाथी न्यारो। जने पक्षी बने हिन पिंजरे खाथी न्यारो। तने पिंजरो थे बेकारो। तने पिंजरो थे बेकारो। कहे टेऊ पक्षी अविनाशिया। कहे टेऊ पक्षी अविनाशिया। आयो सैर करण सुख रासिया। आयो सैर करण सुख रासिया। जने सैर करे पिंजरे मा वने प्यारो। जने सैर करे पिंजरे मा वने प्यारो। तने पिंजरो थे बेकारो। तने पिंजरो थे बेकारो। जन पखी बने परदेस छड़े ही देस। प्राण आधारो तने पिंजरो थे बेकारो। तने पिंजरो थे बेकारो। राग पीलो भजन बारह। जड़े पखी वने परदेस छड़े ही देश। प्राण आधारो तने पिंजरो थे बेकारो। इस शरीर की महिमा प्राण रहते हुए ही है। प्राण का निष्क्रमण होने के पश्चात शरीर की महिमा कुछ भी नहीं। मृतम शरीरम उत्सृज्य काष्ठ लोष्ठ समम क्षतौ विमुखा बांधवा जानति धर्मस्तम अनुगच्छति। मृत शरीर को ऐसे फेंक दिया जाता है, उपेक्षित कर दिया जाता है जैसे कोई बेकार लोहे का या लकड़ी का टुकड़ा हो। तो गुरु महाराज जी राग पीलो के इस भजन में शिक्षात्मक वाणी में उपदेश दे रहे हैं कि प्राण रूपी पंछी जब इस पिंजरे से शरीर रूपी पिंजरे से उड़ जाता है फिर इस पिंजरे का कोई मूल्य नहीं। जिसे दिन रात
प्यार करने वाले, पास बिठाने वाले, स्नेह करने वाले हमेशा ही साथ में रहना पसंद करते हैं, वो सब इससे किनारा करने लगते हैं। जने पिंजरे माथो पखी वने, तने पिंजरे के कोई न बने। शरीर रहते हुए जिस मनुष्य का कदर कीमत थी, उसका भयता थी, उसका शासन था। शरीर में से प्राण जाते ही वो निष्क्रिय शरीर, उसकी कोई भी कीमत नहीं रह जाती। कोई उससे डरता नहीं, आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं, क्योंकि उस शरीर में से प्राण निकल गए, मृत शरीर है। जने पक्षी पंछी इन पिंजरे खा करे किनारो, जब पंछी प्राणो रूपी पंछी उड़ जाता है तो शरीर निर्मूल्य हो जाता है। ही पिंजरो पखी जो मंदरा, ही सदा उन्हीं सा सुंदरा। जिस प्रकार से मंदिर के अंदर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा रहती है, मूर्ति विराजमान रहती है, उसी प्रकार से इस शरीर रूपी मंदिर में जब तक प्राण है तब तक इस मंदिर की प्रतिष्ठा है। बाद में ये निष्प्राण शरीर किसी काम का नहीं, कोई उसकी कीमत नहीं। जने पंछी खाली करे वने तो सारो, जब पक्षी उड़ जाता है तो पिंजरा उसका कोई मूल्य नहीं रहता। तू जान पखी परदेइया, थियो कैसा कीन सनेइया। जो पक्षी है, जीवात्मा है, वो इस देश का नहीं, वो परमात्मा का अंश है, ईश्वर के देश से आया हुआ है और उसका किसी के साथ स्नेह संबंध नहीं। परमात्मा का ही अंश, उसी के ही साथ उसका शाश्वत संबंध है। जने पंछी हिन वने हिन पिंजरे खां थी न्यारो, जब वो पक्षी इस पिंजरे से अलग हो जाता है तो फिर पिंजरा शून्य मूल्य का रह जाता है। कहे टेऊ पखी अविनाशिया, आयो सैर करण सुख रासिया। ये पक्षी जीवात्मा अविनाशी है, शरीर नाशवान है, नश्वर शरीर में अविनाशी का निवास है और थोड़े समय के लिए सैर करने के लिए वो जो सुखों का भंडार है, चेतन अमल सहज सुख राशि, वो जीवात्मा इस संसार में सैर करने के लिए आया है। जने सैर करे पिंजरे खां वने प्यारो, तो जब सैलानी सैर करके इस पिंजरे को छोड़ के जीवात्मा चली जाती है तो फिर शरीर का कोई मूल्य नहीं। तो गुरु महाराज जी उपदेश दे रहे हैं, जब तक प्राण शक्ति है तब तक तुम्हें अपने उद्धार कल्याण करने का सु अवसर प्राप्त है। एक बार प्राण से शरीर से अलग हो गए तो फिर कुछ भी इस शरीर के द्वारा संपन्न होने वाला नहीं। कोई भी कार्य, कोई भी कर्म धर्म, जप तप संयम सफल होने वाला नहीं। इसलिए शरीर में प्राण रहते हुए उस परमात्मा के भजन में मन लगा के अपने जीवन को सफल बनाए। पढ़तू प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भरल जह में भाव जी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी, हर हंद तो सा सतगुरु। महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी, महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ। अनभय बाणी सारचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ,
पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत आयो मान स्वरूप में, सतगुर टेम राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार, वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश, उर मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लौ जो करती है नाश, अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम, ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्म दर्शनी जान, कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षणी ब्रह्म अमृत वर्षणी अंतरदृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भवपाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी, हिंदी अमरापुर वाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दुआवली, ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है, कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।